हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल। एज यू नो, मैं हूं ममता और मैं आज आपके सामने लेकर आ गई हूं आपके 18 तरह के एक ऐसे फूल जो आपके जीवन में बदलाव और खुशियां ला सकते हैं। फूल आपके बगीचे में हैं तो आपके जीवन को सुगंधित और खुशियों से भर देंगे। वृक्ष, पौधों और फूलों का शारीरिक और मानसिक रोगों के लिए बहुत ही महत्व रखता है। वास्तु दोष को मिटाने की क्षमता होते हुए भी फूलों के बारे में कहा जाता है कि ये आपका भाग्य बदलने की भी क्षमता रखते हैं और आपके जीवन को खुशियों से भी भर सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे फूल हैं जो आपकी ज़िंदगी में जहर भी घोल सकते हैं। तो हम आज उन फूलों के बारे में बात करते हैं जो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का कार्य करते हैं। आइए जानते हैं उन चमत्कारिक पौधों के बारे में। जैसे पारिजात का फूल आप देख रहे हैं, पारिजात के फूलों को हार श्रृंगार शेफालिका भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे नाइट जैस्मिन और उर्दू में इसे गुलजाफरी कहते हैं। पारिजात के फूल आपके जीवन में तनाव हटाकर खुशियाँ ही खुशियाँ भर सकने की ताकत रखते हैं। और पारिजात के ये फूल अद्भुत फूल सिर्फ रात को ही खिलते हैं और सुबह होते होते सब मुरझा जाते हैं। यह माना जाता है कि पारिजात के वृक्ष को छूने मात्र से ही आपकी थकान और टेंशन सब खत्म हो जाती है। हरिवंश पुराण में इस वृक्ष के फूलों का विस्तार से वर्णन है। इन फूलों को खास तौर पर लक्ष्मी पूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन केवल इन्हीं फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। आप अपनी पूजा में और भी फूल शामिल कर सकते हैं, जैसे चंपा। चंपा के वृक्षों का उपयोग पार्क, पार्किंग, सजावट स्थल और बाकी सब जगह किया जाता है। आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, आप इसे गबड़े से गमले में भी घर में लगा सकते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में कहावत है कि चंपा तुझ में तीन गुण, रंग रूप और वास, अवगुण तुझ में एक ही, भंवर न आए पास। रूप तेज तो राधिके, अरु भंवर कृष्ण को दास, इस मर्यादा के लिए भंवर न आए पास। चंपा में पराग नहीं होता, इसीलिए इसके पुष्प पर मधुमक्खियाँ कभी नहीं बैठती। चंपा को कामदेव के पांच फूलों में गिना जाता है। माँ ललिता के फूलों चरणों में भी चंपा के फूल चढ़ाए जाते हैं, जिसमें जैसे पुनाग, अशोक और भी वृक्षों के फूल चढ़ाए जाते हैं, जिसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। चंपा मुख्यतः बहुत से पांच प्रकार के फूल होते हैं। अब तो लाल भी आने लगा है, कटहरी चंपा, कनक चंपा, नाग चंपा, सोन चंपा, इस तरह से पांच प्रकार के फूल होते हैं। चमेली का फूल, चमेली को संस्कृत में सोमन शायनी कहा जाता है, अंग्रेजी में जैस्मिन। और चमेली को आमतौर पर सभी जगह पाई जाती है, कहीं भी आप देख सकते हैं इतनी जगह लगाई हुई होती है लोगों ने। रात की रानी का फूल, जी हाँ, रात की रानी मद मस्त खुशबू बिखेरने वाली, इसकी खुशबू बहुत दूर तक जाती है। इसके छोटे छोटे फूल गुच्छे में आते हैं तथा रात में खिलते हैं और सवेरे सिकुड़ जाते हैं। रात की रानी के फूलों में 5-6 बार आते हैं और हर बार 7-10 दिन तक इसकी खुशबू बिखेर देती है और बहुत ही शांतिमय खुशबू है। वातावरण निर्मित कर देती है, नाक को सब आपकी सुगंधित कर देती है। आदमी का मन जो है सूंघते सूंघते इसकी खुशबू को वहीं ठहर सा जाता है। आपके मन के संताप को मिटाती है, आपके दुख को दूर करती है, आपके मन की जो टेंशन है, दिमाग की जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको ये हटाने की ताकत रखती है। जी हाँ, रात की रानी और चमेली के फूल का इत्र भी बनाया जाता है और फूलों के बना हुआ गजरा भी माताएं बहनें लगाती हैं बड़े शौक से, और भगवान को भी हम इसको चढ़ाते हैं। रात की रानी का पौधा एक सदाबहार झाड़ी के रूप में होता है। 13 फुट तक की इसकी ऊंचाई हो सकती है। इसकी पत्तियाँ सरल संकीर्ण चाकू जैसी लंबी, चिकनी, चमकदार होती हैं। एक दुबला पतला ट्यूबलर जैसा हरा सफ़ेद फूल होता है इसका। दुर्लभ फूलों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, जैसे कि जूही का फूल है। ये झाड़ी नुमा इसकी बेल सी होती है और ये हर किसी के बगीचे में आप इसको लगा सकते हैं आराम से। ये कहीं भी चढ़ जाती है। आप इसको बड़ी सेंसिटिव होती है ये बेल, लेकिन आपको बहुत संभाल कर इसे संभाल कर रखना होगा। सफ़ेद रंग के फूल होते हैं, इसकी फूलों की खुशबू गजब की है। जूही के फूल चमेली के फूल से मिलते जुलते दिखने में लगते हैं, लेकिन इसकी फूल जो होती है खुशबू उसी के थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती होती है, लेकिन ना इसकी खुशबू जो है ना आपके मस्तिष्क से सारे तनाव, यूँ कह देते हैं स्विच ऑन और स्विच ऑफ, शुद्ध बना देती है एकदम आपके माइंड को। तो जैसे कहते हैं कि अभी अभी टेंशन थी, लेकिन जैसे ही आपने इन फूलों की खुशबू को सूंघा, ये आपके अंदर समा गई और आप एकदम से टेंशन फ्री। आपकी टेंशन ऐसे रिलीज होती है कि आपको समझ में ही नहीं आता कि हाँ, इससे पहले आपके दिमाग में कोई हेडेक थी, परेशानी थी, टेंशन थी। बहुत ही अच्छी होती है इसकी खुशबू। और फिर देखेंगे आप मोगरा। इसे संस्कृत में मालती, मल्लिका, मोगरे के फूल गर्मियों में खिलते हैं और भीनी भीनी अधिकतर बारिश के मौसम में। इसका सफ़ेद फूल का रंग जो है ना बहुत ही मादकता भरी खुशबू होती है इसकी भी,
और इसकी सुगंध आपको गर्मी के एहसास को दूर करती है। मोगरा जो है कोढ़, मुंह और आँख के रोगों को भी लाभ पहुँचाता है। औषधीय गुणों से भरपूर है, इसका तेल भी बनता है, ये चेहरे की चमक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मैंने इसका एक फेसपैक भी बनाया बताया था आपको, हो सके तो आप देख लीजिएगा। अगर आप चाहें, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट पास में कमेंट कर लीजिए, मैं आपको लिंक तो दे दूँगी। इसकी लंबी डंडी की होती है और फूल इसके सफ़ेद रंग एकदम सफ़ेद शुद्ध दिमाग को तरोताज़ा कर देने वाले और गर्मी को दूर करने वाले के लिए। बात करते हैं हम कमल के फूल के बारे में, इसके बारे में कौन नहीं जानता। कमल का फूल माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है और भगवान विष्णु को भी। कमल के फूलों को धारण करने से शरीर की शीतलता, फोड़े फुंसी आदि शांत होते हैं तथा शरीर पर विष का कुप्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कहते हैं ना, गुलाब, बेला, जूही, चमेली अलंकृत हृदय को प्रिय होते हैं। के फूलों से मोटापा भी कम होता है, जैसे चंपा, चमेली, मोलसरी आदि के प्रयोग दाहा की कमी को, मतलब रक्त के विकार की कमी को दूर करते हैं, मन को प्रसन्न को दूर करते हैं। इसी तरह ये कमल का फूल भी है। अब देखते हैं गुलाब के फूल। हर तरह के गुलाब पाए जाते हैं। मैं गुलाब का फूल भी जो है सौंदर्य प्रसाधनों में इस्तेमाल किया जाता है, सुगंधित होता है, आपके त्वचा को, आपके रोम को सुगंधित बनाता है, ठंडक प्रदान करता है। हम गुलाब जल का भी इस्तेमाल अपने चेहरे पर करते हैं। आँखों की जलन को दूर करने के लिए आँखों में भी गुलाब जल डाला जाता है। गुलाब आपके घर को महका देता है, आपकी परेशानी, मन की पवित्रता को शांत बनाए रखने में काफ़ी योगदान है इसका। जो आपने फूल देखा ये सदाफूली है, इससे पहले जो आपने फूल देखा वो रजनीगंधा का था। ये फूलों की पिक्स जो है मैंने आपको पहचान के लिए डाली हैं। मैदानी क्षेत्रों में अप्रैल से सितंबर के महीने में, ये जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जून से सितंबर माह में फूल निकलते हैं। रजनीगंधा के नाम इसकी किस्में बहुत सारी हैं और गुलदस्ते के रूप में सजाने के लिए इनकी लंबी डंडियों का इस्तेमाल किया जाता है, इसे प्रयोग में लाया जाता है। इसका सुगंधित फूल और इससे तेल और इत्र भी बनाया जाता है। ये जो सदाफूली का फूल देखा आपने, सदाफूली भी कहते हैं इसको, ये 12 महीने खिलती है, सभी मेडागास्कर में पाई जाती हैं और ये भारत में भी, और इसके बहुत सी इसके सफ़ेद और गुलाबी रंग के भी फूल आने लगे हैं। फॉल साइज जामुनी जो है ये बहुत मायने रखता है, सफ़ेद जो है शुगर की बीमारियों के लिए भी बहुत अच्छा है और इसकी बहुत सी अन्य, जी हाँ, कैथारेंथस भारत में पाई जाने वाली प्रजाति है ये, और वैज्ञानिक नाम है इसका कैथारेंथस। और पश्चिमी भारत में सदाफूली के नाम से मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ इसलिए मैं अमलतास के बारे में नहीं बता रही हूँ आज। आप अभी पीछे अमलतास का पीला फूल देख चुके हैं और अब मैं आपको बताऊँगी कनेर के फूल के बारे में। इसकी भी बहुत सी प्रजातियाँ होती हैं, लाल, पीले, नीले, सफ़ेद। इन पुष्पों में गंध नहीं होती लेकिन ये हृदय रोगों के लिए बहुत ही, कोई उपाय नहीं होता तब इसका प्रयोग किया जाता है हृदय रोगियों के लिए। कनेर का मुख्य रूप से जो है विषैला परिणाम होता है, मांसपेशियों को पर होता है। औषधि के रूप में इसे प्रयोग में लाया जाता है, जिसे आप मेरीगोल्ड के नाम से भी जानते हैं। गेंदे की कई तरह की किस्में हैं, इसके बहुत सारे फूल हैं, जैसे आप दो तीन कलर जो आप देख ही रहे हैं। अब कलर के बारे में आपको नहीं बताऊंगी, मैं इसकी विशेषता के बारे में बताना चाहूंगी। और इसकी पंखुड़ियों को, हज़ारों पंखुड़ियाँ होती है फूल में इसमें, और फूलों की माला बनाई जाती है दरवाजे पर सजाने के लिए, तो हम इस्तेमाल करते ही हैं। पर इसका एक बताऊँ मैं आपको, भी डालने वाली हूँ, बहुत अच्छा फेस पैक बनता है इसका। पीले रंग का फूल मंगल कामनाओं के लिए आप घर में लगाया जाता है, भगवान को चढ़ाया जाता है। अभी केवड़ा, जी हाँ, अभी केवड़ा का फूल मेरे पास नहीं है, मैं कोशिश कर रही हूँ आपको गुड़हल के फूल के बारे में बताने की। गुड़हल का फूल जो है देखने में ही सुंदर नहीं होता बल्कि ये सेहत का खजाना होता है, जी हाँ। हिबिस्कस, जवा कुसुम भी कहते हैं इसे, और इसके सभी हिस्से खाने पीने से लेकर दवाइयों में उपयोग में लाए जाते हैं, इसका बहुत ही उपयोग किया जाता है। फूल में विटामिन सी की बहुत बढ़िया स्रोत है और इसे कफ, गले के खराश, जुखाम, सीने की जलन, जकड़न, इसके आदि की चीज़ों में फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके, इसकी पत्तियां जो हैं प्राकृतिक हेयर कंडीशनर का काम देती हैं। इससे बालों की मोटाई बढ़ती है, बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होते और बालों का झड़ना भी बंद हो जाता है। केवड़े का फूल का भी मेरे पास चित्र नहीं है, मैं कभी फिर डिटेल में डालूंगी। यूँ तो एक बेहतरीन खुशबूदार फूल होता है, इसके इत्र की तासीर जो है ना ग्रीष्म में तन को शीतलता प्रदान करती है। इसका हम शरबत भी, पानी में स्नान भी करते हैं,
राजा महाराजा और रानियां हमारी जो है ना केवड़े की बूंदे कुछ उसके एसेंस की बूंदे जो है ना उसमें डाला करती थी पानी में, तब स्नान किया करती थी, तब उनके शरीर से खुशबू आती थी। और ये गर्मियों से भी आपको निजात दिलाता है। पहले एसी और कूलर तो होते नहीं थे, तो इसी तरह की चीज़ों का उपयोग किया जाता है। गुलदस्ते से लेकर लोशन, तम्बाकू, केस तेल, अगरबत्ती, साबुन में इसकी सुगंध का रूप पर इस्तेमाल किया जाता है। सर दर्द के लिए, गठियावाद के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। छूट गया था, मैं अमलतास के बारे में बता नहीं पाई थी, परंतु मैंने इसका अलग से भी गुलकंद भी बनाया है, वीडियो भी डाला है। ये खांसी के लिए और दमे के और सांस के रोगों के लिए बहुत अच्छा है। और इसके फूल जो है ना ऐसे लगता है जैसे गहने, आप इसको कानों में पहनो, इसकी लंबी डंडी जैसे गहने पहन लिए हों आपने। ग्रीष्म की तेज़ धूप में पीले रंग के फूल सच में झुमकों की तरह लगते हैं। जैसे आप इसके पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाना तो ऐसा लगता है जैसे सर पे आपके मुकुट लग गया हो। जी हाँ, इसकी जो फलियाँ होती हैं उनका गूदा पथरी, मधुमेह तथा दमे के लिए अचूक रूप से दवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पूरा का पूरा पेड़ अमरतास का औषधीय गुणों से भरपूर है। अर्जुन के फूल, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मैं फिर लेकर आऊँगी आपके लिए जैसे मुझे जो जो मिलता रहेगा। ये सदा रहित वृक्ष है, इसके फूल प्याले के आकार के हल्के पीले रंग के होते हैं। फूल जो है मार्च से जून तक खिलते हैं। मैं कोशिश करूँगी, मुझे वृक्ष पता है, मैं देखती हूँ उसके फूल अगर मिल गए तो फिर मैं अलग से आपके लिए इसका वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। एक अगस्त के फूल, अगस्त के फूल सफ़ेद अथवा गुलाबी रंग के होते हैं जो शीत ऋतु में खिलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगस्त का पेड़ जो है शरीर के विषैले तत्वों को निकालने का काम करता है। इसके पंचांग, फल, फूल, पत्ते, जड़, छाल तथा सभी सब्जी के रूप में प्रयोग होते हैं। इस पेड़ में आयरन, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगस्त के पत्तों की भी सब्जी बनती है। जी हाँ, अगर आपको कहीं ये पेड़ मिले तो आप ज़रूर इसके फूल का, इसकी पत्तियों का सेवन ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही दुर्लभ है, ये हर जगह नहीं होता है। अगर आपको मिले ये फूल तो प्लीज़, अगर आपके पास है ये फूल तो मुझे ज़रूर लिखिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपसे, इस फूल की इतनी विशेषता है, अगर आप इसके पत्तों का सेवन करते हैं तो आपकी बहुत सी बीमारियों का ही शमन कर लेता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स पर्याप्त मात्रा में होता है, प्रोटीन, कैल्शियम। जो बंदा वीक है ना, बहुत कमज़ोर है शारीरिक रूप से, ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है।